दो दिन पहले ग्वालियर के चौराहे पर हंगामा करने वाली लड़की काफी चर्चा में है। इस हंगामे का वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन जब हमने इस लड़की के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो जो कुछ पता चला वो काफी हैरान करने वाला था। युवती की दर्दनाक कहानी सामने आई। बताया जा रहा है कि युवती छतरपुर की रहने वाली है। ये पहले से शादीशुदा थी, लेकिन अपने पति को छोड़कर ये प्रेमी के पास रहने के लिए ग्वालियर चली आई। 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, बाद में प्रेमी ने उसे घर से निकाल दिया। प्रेमी के धोखे ने इस युवती को एक तरीके से विक्षिप्त कर दिया। वो बदहवास हो गई और हंगामा करने लगी। फिलहाल कोर्ट ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। जो युवती जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त थी और उसको ले जा कर के माननीय CGM न्यायालय पेश किया गया था। CGM न्यायालय से उसको अभी जो है मानसिक रोग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जो कि पूछताछ करने पर पता लगा था कि ये जो है नौगांव छतरपुर तरफ की रहने वाली है और उसने अपने पति का नाम तो संबंधित को सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई उपस्थित नहीं है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस युवती की जानकारी उसके पति को दी, उसके प्रेमी को भी दी, उसके मायके वालों को भी दी, लेकिन कोई इस युवती को अपनाने को तैयार नहीं था। लिहाजा युवती को कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस उस दिन का इंतजार कर रही है जब युवती ठीक हो और पूरी बात पुलिस के सामने रखे। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।